माशाल्लाह से मामी गाड़ी चला रही है, थोड़ा सा रेस दे के दूजा गियर लगाओ ना सर। कि नहीं से पता ना जिंदगी देवे नहीं से पता लेडीज दोस्त ने क्या है ओए जिरा मैं आज तक जिंदगी जिरा पता मामू और साडे ना और साडे ना ले पता है उतर हम देंगे पांच बल्ले को हवे ठीक है ना ये जो सारा माल मवेशी है ना अपना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और खैर खैरियत होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो है ना बड़े काम के लिए जो है ना मैं गाड़ी में बैठा हूँ, यकीन मानो कि आज इतना बड़ा काम है ना, आप जब सुनेंगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा। एक मिनट सब्र करो, पीछे मामू बैठे हैं और इधर मैडम साहबा। आज प्रोग्राम बनाया है मैडम साहबा को गाड़ी सिखाने का, तो जी चलें जी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह पढ़े, पहले क्लच दबाएं, क्लच दबाएं ना। हाँ जी दबाएं, दबा लिया है ना। चलें आप गियर लगाएं, गियर लग गया जी। अब क्लच नहीं छोड़नी, अब हैंड ब्रेक नीचे करें थोड़ा दबा के, ऊपर करें थोड़ा, ऊपर करें दबाएं, ऊपर करके दबाएं। हाँ जाने दें, चलें चलें संभलाए सही। आज जो है ना चलें आराम से क्लच छोड़ें, जाने दें, उठा लें पैर। हाँ जाने दें, मसला नहीं है, थोड़ा रेस शेर दे के ना जाने दें। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, आज तक कवीली दी टोटरें दी वदी हैं जी। अच्छा जी सीन कुछ यूं था, घर से तकरीबन हम इस टाइम ना कितने 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 मैक्सिमम तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, 15-20 किलोमीटर जो है ना हम दूर हैं घर से। और यहाँ पर हम क्या करने के लिए आए हैं, मैडम साहबा को जो है ना गाड़ी सिखाने के लिए। मैडम साहबा ने बहुत ज़्यादा ज़िद की है कि हमें ना गाड़ी, मुझे गाड़ी सीखनी है और इधर से जो है ना गाड़ी सीख के मैंने जाना है कानपुर। तो मैंने कहा चलें यार कोई मसला नहीं है, ज़िद कर रही हैं तो फिर जा के ना गाड़ी सिखा ही देते हैं। तो मामू हैं और मामी हैं, अभी यहाँ अभी ना इतना मेहनत हुई है हमें ना इनको सिखाने के लिए ना, बहुत ही ज़्यादा सारी मेहनत की है हमने, ठीक है ना, सारी मेहनत करके ना अभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सामने गाड़ी जा रही है और माशाल्लाह से मामी गाड़ी चला रही है, थोड़ा सा रेस दे के दूजा गियर लगाओ ना सर, थोड़ा रेस दे के दूजा गियर लगाओ ना सर। ओके क्या ही बात है, सीधा करके टोरो ना सर, चा गिनो ना सर, फिर क्लच तो चा गिनो ना बस आराम ना ले। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी जा रही है गाड़ी और माशाल्लाह मैडम साहबा चला रही है माशाल्लाह, सीधा 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 आराम से सुकून से। हाँ ज़्यादा 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 नहीं, आराम से चलाना आराम से। और यार हमें यकीन मानो कि इतना डर लग रहा है, मामू इसी वजह से नुक्कड़ में लुके हुए हैं और जब साथ साथ में हम ना इस तरह के समंदर समंदर देखते हैं ना जो खड्डे शड्डे भरे हुए हैं, तो फिर पता चलता है कि यार इसमें ना चले जाए। इधर से वाड़ भी है, वाटर भी है, छोटा सा रोड है ये देखें। तो मैडम साहब का अगर थोड़ा सा भी हाथ फिसला तो सब कुछ फिसल जाना है। तो अभी डरे हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक खैर करेगा जी, इंशाल्लाह चला लूंगी। तो फिलहाल जहाँ पर हम आए हुए हैं यहाँ पर रोही रोही है, यहाँ पर वीरान जगह है, और मैंने कहा चलो अगर कोई मसला हो भी जाए, अल्लाह ना करे कभी मतलब हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो किसी को नुकसान ना हो, सिर्फ हमें नुकसान हो। अच्छा माशाल्लाह ड्राइविंग पक्की करके ना फिर ना आपने पता क्या करना है, फिर ना आपने अपने उस्ताद को ना दावत देनी है बहुत बड़ी, ठीक है। उसमें पता क्या क्या हो, चमचम हो, गुलाब जामुन हो, ठीक है ना, गुलाब जामुन, फिर कोई मिठाई, मतलब जो जो चीज़ फिर उस्ताद को सूट देने पड़ते हैं, हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस्ताद को सूट ला के देने पड़ते हैं काटन के, अच्छे अच्छे मरमरी के। अच्छा
आगे भी तवज्जो रखो, यक्का मेरे सूट पे तवज्जो नहीं रखो, ठीक है। तो ये जो खड़े हैं ना जानवर, ये छह सात सामने लाइन में, हाँ एक एक जो व्हील है ना, टायर है ना, इन सब के ऊपर ना चढ़ा देना एहतियात से। इधर खड्डे भी हैं, और ली साइड खड्डे भी हैं थोड़ा देख के हैं। ये देखें जी, वीरान जगह पे आए हुए हैं, ये देखें सारा वीरान वीरान, और पानी देखें आप लोग चेक करें, देखना इधर से खड्डे हैं, इस साइड में नहीं रखना, थोड़ी अपनी साइड में रखना है। चलो चलो, वाह जी वाह, माशाल्लाह, अपनी साइड तरह का, अपनी साइड तरह का। चले जी माशाल्लाह, काफ़ी सारा जो है ना गाड़ी सीख चुकी हैं मामी, और बाकी भी सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ा कुछ ट्रेन आज करेंगे, कुछ इसको जो है ना कल ट्रेन करेंगे ड्राइव में, तो कुछ परसों इंशाल्लाह ये जो है ना गाड़ी सीख जाएंगी, फिर अपनी गाड़ी लेंगी। हाँ जी, असलम खान तो आपको गाड़ी नहीं देगा अपनी, ये सिर्फ सिखा रहे हैं। हाँ, इसके सीखने के बाद इसकी जो हाथ हाँ ये भी सही बात है, ऐसे ही होगा, जिस गाड़ियों पे सीखते हैं ना उस गाड़ियों के ऊपर फिर चढ़ते नहीं है, फिर वो गाड़ियाँ किसी काते की नहीं रहती। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, मैं ना इसी गाड़ी पर सीखा, असल में ना मामू बात ये है ना, हम तो मतलब सीखे हैं ना, हम कोई तरतीब का सीखे हैं, कुछ लोग होते हैं जो बस अंधी धुन जो सीखते हैं ना, लोग स्पीड आ देते हैं पहले पहले, बहुत ठोक देते हैं वो, गाड़ियों का कबाड़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैडम साहबा जो है ना स्टेयरिंग को चिपकी हुई है और सीट देखो कितना आगे गई हुई है। चलें, जिसको जहाँ पर सही लगता है सेटअप उधर ही सही है, एडजस्टमेंट हर किसी की अपनी अपनी होती है, तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, हमारी एडजस्टमेंट अपनी अलहदा होती है, मामू चलाते हैं, मामू की एडजस्टमेंट अपनी होती है, तो जिसको जहाँ पर एडजस्टमेंट सही लगती है वो उधर एडजस्टमेंट करते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी ड्राइव हो रही है, मुबारक हो आपको पहला दिन। हाँ, नाल दे नाल हमारे साथ बात भी करती जाओ ना, कर रही हूं ना, यक्का यक्का इसको उधर ध्यान देने दो। हां, नहीं तो ये बातों-बातों में रेस इतना बढ़ा देगी। आप बात कर रहे थे ना तो मैं इसीलिए चुप बैठी। नहीं, अब रेस क्लच का पता चल गया, अब नहीं करती ऐसा, है ना, आपको पता चल गया है ना जी। चलो अल्लाह करे सीख जाओ, मैं भी कहता हूं। अपनी साइड तो रख, ये सामने बड़ा मीटर जरा खड़ी ना, ये को डिठा करता है 20 ते चलावने, 20 को उत्ते सोई जड़े में पे देख धुक दी पे समझी दे समय लगदी पे, ठीक है माशाल्लाह, 20 दी स्पीड है चला, वीदी से पीड़ा चल, वी वी ओ हुन वी है, हुन वी है, पहले ज्यादा आवे, ये जो बड़े बड़े खड्डे हैं ना इधर साइड में ना, ये जो है ना थोड़ा काम खराब किया हुआ है इन्होंने, ये रोड पट्टा हुआ है ना साइड में। चलो जी, काफी देर के बाद जो है ना गाड़ी इधर खड़ी कर दी है, लॉक शॉक लगा दी है, इसके बाद जो है ना चलते हैं घर, और इधर मामू भी कपड़ों वाले जो है ना आए हुए हैं।
मामू, मामू क्या हाल है तुम्हारा? मामू ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ब्रांड श्रेंड है? ब्रांड तो मामू आजकल ये बच्चे बताए। अच्छा, लेडीज भागनो? लेडीज भागनो, हाँ ये भी ठीक है यार। किधर ही नहीं से पाता ना, जिंदगी देवे नहीं से पाता लेडीज। मामू और साढ़े ना, और साढ़े ना ले तो मजाक ना करो अपने बाले ना। और अपने बाले ना कर सब क्या करना करो? आप ही क्या नहीं है? हां घन 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 घन। अच्छा चलो ठीक है। मर्दाने घन घन या जनाने? सिर्फ ना, सिर्फ जनाने की तरह। अच्छा, जनाने है कि मर्दाने की तरह? सही सही। आप ब्लैक? चलो चलो ठीक है, वे हुक्म सारे ले वाले इंशाल्लाह घन लो। है ठीक है, ओके चलें जी। मेरे ख्याल में आपकी कपड़े शपड़े भी ले गई है, तो जाके पता करते हैं कि आप ही कपड़े ले गई है कि नहीं। मैंने भी यार एक दो सूट लेने थे यार, फिलहाल तो समझ गए होंगे आप तो। काफ़ी सारा टाइम लग गया मामी को गाड़ी सिखाने में, क्योंकि मामू ने मुझे बोला, क्योंकि मामी ना थोड़ा मामू से प्रेशराइज होती है, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, मैं जो है ना गाड़ी सिखा देता हूँ मामी को। साथ में थे मामू भी थे, मामी भी थे, और उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा रिस्पांस मिला है, मतलब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा सीख गई हैं। बस ये ड्राइविंग तो मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बंदा पूरी ज़िंदगी भी नहीं सीख सकता, लेकिन बस ये है कि बंदा चला सकता हो तो इतना ही काफ़ी होता है कि बंदा बस हर चीज़ की मतलब एहतियात भी कर सके ना, तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो सरदार, सरदार पहले पहले पहुंच गए हैं। वो हैदर को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सरकार? सरकार को यार 24 घंटे आते गलकड़ी शुरू कर दी यार। एक मिनट यार, यार यही ना कर यार। सुना बाइक बनवा के आयो कि नहीं? जी बाइक बनवा के आए हो कि नहीं? बाइक खुदा का बंदा 6,500 रुपए बाइक पे मैंने लगा दिया है। बन के आ गई है? वो थोड़ा काम गई हुई है। कहाँ पर? अभी कस्बा बता। सच बता, वो सीलिंग सारा कुछ हो गया? ओके यार ना कर, रंग रोगन सीलिंग अगले लेट मेरी बाइक रह गई है बस। अपना वो अपने वो है सिर्फ मेरी रह गई है। अब मेरी रह गई 6,000 रुपये? जी 6,500। 6,500 लगा दिया? बाइक जब आएगी ना फिर यार लाजमी इतना खर्चा करना? नहीं यार वो हमें मजा नहीं दे रही थी। अब कौन लेके गया, कहाँ गया? वो भाई शकील लेके गए, उधर से जो है ना जने को उठाना था। कहाँ से? होटल से। हाँ अभी जो है ना रवाना है, वापस आ रहे हैं। अच्छा हाँ चले जी। मुंशी भाई ने जो है ना आज अपनी बाइक बड़ा तो चलावन शुरू कर दी थी। यार मेरी बाइक ऐसे ही तोड़ेंगे और धूप पे खड़ी खड़ी करके ना। आपकी बाइक तो है, आपकी बाइक है, सब लोग एहतियात करते हैं क्योंकि 125 है ना, सब लोग जो है ना जियाले हैं उसके 125 का। मेरी बाइक अगर घर में खड़ी है, मैं काम के लिए चला गया था सुबह के टाइम, तो दोपहर तक गाड़ी मेरी जो है ना धूप में खड़ी रही है, तो किसी को ये नहीं पता था कि उसको जो है ना पकड़ के अंदर ही खड़ी कर दें। यार मेरी बात सुनो, वो मेरी जो वाइफ है ना, अगर आपकी बाइक ऊपर गिर जाती तो ये निकल नहीं सकती। अच्छा दूसरी बात ये, हम घर में नहीं थे। कौन था घर में? हम कौन था घर में? भाई में नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी वाइफ। एक तो कमरा एक है जिसमें मुंशी भाई का सामान भी नहीं आता, और उधर बाइक खड़ी करने की जगह भी नहीं है, तो इसी वजह से जो है ना उधर बहरी खड़ी कर देते हैं। यार मेहरबानी करके ना जितना जल्दी हो सके हमें अपने कमरे बनवा के दो, ठीक है ना? तो ये अपनी हम चीज़ें कहाँ फिर बैर खड़ी करें, इतना नई नई चीज़ें ले आके। मेहरबानी करके हमें कमरा बनवा दो बस। मेरी बात सुन, मैंने तो आपको कहा है ना। अम्मा मैं सही आता पे ना, अभी बहुत रोले पड़े हैं। रोले क्या पड़े हैं यार, मेरी बात सुने, आप उधर बनवाए, मैं जो है ना जब ये ज्वार खत्म हो जाएगी बर्ती मंगवाता हूँ। आपके जो एरे है ना, एरे डलवा के बर्ती डालूंगा। कहाँ पर? उधर। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैंने खुदा का वास्ता मानो, मैंने कितनी बार नहीं है, ठीक है ठीक है, मैं इधर ही बैठूंगा, मैं इधर ही बैठूंगा, जिसने जाना जाए। चलो मैं अपना जाओ बनवाओ, अपना बनवाओ, मैंने इधर ही बैठना है, मैं अपना बनवाता। नहीं जगह की बात हो रही है, जगह की मतलब ये कहते हैं कि आप ना उधर जाके रहो उस जमीन में,
जहाँ से कोई रास्ता वगैरह भी नहीं है निकलने का, वो वाली। हाँ तो मैंने कहा आप चले जाओ, हम इधर बैठते हैं। चारा है, तो चारा है ना, सड़क तो नहीं है ना, 6 फुट का चारा है तो इधर से है, इधर से है। जब हवेली देंगे ना, हमने 3 फुट अपना छोड़ा है, 2 फुट जो है ना चाचू छोड़ेगा, 5 फुट यार वो अपनी जमीन में से कौन आजकल देता है, कौन देता है यार रास्ता, कोई नहीं देता। अच्छा वो दे देंगे फिर ये देंगे, एक ना एक दिन जाना है। फिर आप सोचे कि 6 इधर बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं कैसे? आप उधर ना हवेली दो, नहीं मेरी बात तो सुनो, आप उधर हवेली दो, जानवर उधर शिफ्ट कर दो, कबूतर उधर शिफ्ट कर दो, बस वही बात कर रहा हूँ मैं ये, लेकिन इनको ये चीज समझ नहीं आती। 6 के 6 फैमिली रह सकते हैं, 2 बने खड़े हैं, 2 वो हैं और 2 मकान बना लो बस। ओके हाँ। अच्छा जी, जैसे जुम्मा को जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अल्लाह के तो सारी दुनिया हो जाती है, अब हम सब भाई है ना, कोई एक साथ नहीं है, हर किसी के घर अलग है, दीवारें अलग है, हर चीज अलग है। अच्छा खाते पकाते अपनी अपनी है, सही है तो, लेकिन ये है हमारे अंदर झगड़ा ही होता है, इस चीज का तो झगड़ा ही नहीं है। हाँ इस चीज का नहीं है झगड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप उधर बैठे बस, नहीं इधर ही सही है इधर। यार इनको कौन समझाए, इनको समझाए कौन ये बात, इधर ही ओके हो जाए। यार वो मौली साहब नहीं बैठने देता, वो कहते हैं मैं बैठूंगा, मेरे छोटे बैठूंगे, इधर से निकलूंगा। सही बात है, 8-8 मरले आएंगे, इस बात पे भी मैं अग्री हूँ। तुम्हारा कमरा यही होगा ना, अपनी औलाद को उधर ऐसे है मामू कह रहा। यार असल में मामू बात ये है ना, मेरी बात सुनो, क्या मेरी बात सुनो, आपका तो झगड़ा बनता ही नहीं है, अव्वल तो ये बात। दूसरी बात यह है कि आपके वालिद साहब जो है ना वो सबको एक साथ ही रखते हैं, वो बेहतर होता है। और अगर रास्ते का मसला है ना तो मैं तो यही बोलूँगा उधर कोई भी ना जाओ, सही बात है, सारे इधर ही रहो, जहाँ रास्ता भी है, सही बात है, भी है सारा कुछ है। हालांकि ये जमीन कम नहीं है, कम नहीं है, बहुत है। और ये वो जो दीवार है, उस दीवार के सीधा सामने है ना हाँ, तो आपका एरिया हाँ जी, ये भी बढ़ सकता है, मतलब आपका ये एरिया दीवार तोड़ने से तो हाँ, तो आप हिसाब लगा लें, जैसे ये दो मकान है ना ऐसे ऐसे बना लें लाइन में, ठीक है, ये दीवार है आप सामने वाली हमारी हाँ। हदूद अच्छा ऐसे ही ऐसे रुख ही बना लें, दो और मकान 6 पूरे। फिर जब किसी का झगड़ा ही होता है ना, सुनो इधर देखो, अगर किसी का झगड़ा भी होता है ना तो उसे कहो यार आप कैसे मुतमईन होना चाहोगे, मतलब आपको अलग हवेली करनी है तो अपना कमरे के सीधे अलग कर लें, सही है, कोई इशू नहीं है, यही बात है ना, यही मसला है, जरा आगे आवे थी, जरा आगे आ जाएगा ना, नहीं रास्ता तो छुड़े सी ना, तो रास्ता तो यार एक तो मुझे आपकी समझ ही नहीं आती। यार भाई जो होते हैं ना वो उनको लड़ना नहीं चाहिए। यार मामू यही बात मैं बोल बोल के थक गया हूँ ना, इन लोगों के जो माइंड है ना, मेरी बात सुने, बाद में झगड़ा होगा, वो जो सड़क वाले साइड से होगा ना, वो कहते वाले साइड से होगा, वो हमें गुजरने नहीं, ये यही मामला है। मैं इनको बोलता हूँ कि हाँ हवेली एक ही रहे, चाहे सारे अलग अलग रहे, अलग अलग रहे, एक होनी चाहिए, एक ही दरवाजा है ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी हवेलियां भी अलग हो जाएंगी और बाकी बोलचाल भी खत्म हो जाएगी ना, फिर आप समझे खत्म है, ये चीज होती है, इत्तेफाक में बरकत होती है। यार वही चीज मैं समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि पीछे मकान बना लो सारे, जो बंदा अलहदा है ना वो अपने मकान में रहे, उधर ही खाए पिए, बैर जो चीज बनाए, चूल्हे शूल्हे सब कुछ, समझ आ रही है, जितना बंदा वो हवेली जरूरी देनी है, हर बंदा अपने मकान में पड़ा रहे। अच्छा इससे इसके बाद ये बोलता है इधर मेन गेट लगेगा, सबका रास्ता यही एक होगा, आएंगे जाएंगे सब आएंगे जाएंगे, कोई रुकावट नहीं है, रास्ता कोई नहीं रोकता, कोई रास्ता रोकता है ना हाँ, आपने मुझे बुला लेना, सही बात है, मम्मा शफी और मैं मिल के ना, और की सबसे पहले सरदार रास्ता रोकेंगे आप, अच्छा ये दो मकान बने खड़े हैं, मेरा फरमान, वो फरमान भाई को बोलते हैं, वो है ना आप राय दें कि दो मकान फिर कैसे बने, फरमान भाई अभी अलहदा हुए हैं ना, जैसे इधर से ना ऐसे कर दें दो मकान, नहीं ये इस साइड पे मेन गेट छोड़ते हैं, इस साइड पे दो मकान, मेरी सुनो बात, आपको मैं ना तरतीब बना देता हूँ, क्योंकि आपके जो वालिद साहब है ना उनकी अपनी तरतीब होती है, ये मकान बने खड़े हैं ना जी,
और इनको उखाड़ना है कि ये उखाड़ना है, तोड़ना है। ये दूसरों की जमीन में है, ये किसी और की जमीन, चाचू की जमीन में है हमारी सामने वाली। ये आधल कम कौन सी वाली, ये वाली दीवार है, आधे कमरे ना दूसरों की जमीन में आते हैं। नहीं, ये दीवार सामने वाली खड़ी है। अच्छा, ये पीछे है, ये हमारे हदौद है, ये है और ये है। अच्छा, फिर ऐसा करो, इसको इसको जब तोड़े ना, पहले तो बात ये है कि सर्दियां आ रही हैं, आप तोड़े नहीं, कैसे तोड़े नहीं। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है ना, जब ये तोड़े फिर जो है ना, ये दीवार भी तोड़ लेना, फिर दो उधर है, दो इधर से बना लेना इस तरह, और एक सामने इस तरह बना लेना, सेंटर में एक, सेंटर में इस तरह बना लेना। ओके हो गया। और उस जब बन जाएंगे ना, फिर किसी का कोई एरिया अपना नहीं रहेगा। वाह साजी, क्या बात बताई है। दो कमरे इधर से डालेंगे ना, उस तरफ मुंह करेंगे, उस तरफ मुंह करेंगे, ठीक है ना। दो कमरे दरमियान में डालेंगे ना, इधर और इधर, और इतना हमारा इधर, मतलब वो बच जाएगा ना सहन, तुम्हारी सोच भी नहीं है। ऐसा कौन से जाओ गेट, जिधर से भी लगवाओ, जो सेंटर वाले हैं ना उनके साथ ही किसी इस तरफ गेट लगवा लेना जाए। नहीं, इतना इतना जगह बचेगी ना, लाइट की जगह बचेगी जितना वो पड़ी है। थोड़ा हम बढ़ा भी सकते हैं, 10 फुट हम बात कर सकते हैं, बेहतरीन सिस्टम बने। फिर अगर झगड़ा हो जाता है, इधर से दीवार दे देनी है, वो गेट वाला रास्ता नहीं रुकेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इनका झगड़ा होता है, इन्होंने इधर दीवार दे देनी है, गेट वही है। थोड़ा मसला और भी है ना, फिर ऐसे इधर पे बनाए तो इस साइड पे ना हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इधर दिखाओ भाई, इधर दिखाओ। ये दो कमरे बनाएंगे इस तरह, ठीक है। दो कमरे बनाएंगे इस तरह, ठीक है। यो कमरा है ना, वो तो बन जाएगी बैठक, ठीक है। यो कमरा है ना जरा, यो कमरा, वो ये कमरा, इसका जरा ना, ये आधार में गैलरी बच जाएगी। इसको मैं छतवा लूँगा, इसको छतवा के गैलरी आप अपने पास रख लें, अपने पास रख लें। और जो भी झगड़ा करेगा मालिक होंगे आप, आपने उधर से सबको उधरने ले, दो खल्ले इसको मारेगा, दो इसको, दो उसको, सही बात। हाँ, ये बस खल्ले मारने की बात बोलो बस, और कोई बात नहीं है। झगड़ा करो ही नहीं, झगड़ा तो हम करते ही नहीं है, ये खल्ले को उधर दो, झगड़ा ना करो, ना तो वाला खल्ले खाओ, दो खल्ले की दिखाओ, नहीं खाओ तो छत्ता का तो भूखा का, तरतीब तो सही है यार। इस जगह पे ना जो वॉशरूम है ना, यार मैं पता क्या सोच रहा हूँ मम्मू, हमारी जो तरतीब है उसने घेरा भी लगा दिया, अब हमारी आवाज़ भी समझ नहीं आएगी। मैं इनको बता रहा हूँ, उनके साथ साथ ही बनाओ आप लोग, ताकि अगर हम ना ऊपर प्लेटों का सिस्टम लगाएं ना, सबके कमरों में जो है ना जाएं सिस्टम, हर कोई अपना चलाए, ये बात बता रहा हूँ। आप इतनी लंबी लंबी तारें छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इधर तो हमारा हवेल बचता ही बचता है सारा, यहाँ पर बैठक बना लेंगे हम अपने, और जो सामने वाले हैं घर वाले वो अपनी दीवारें ऊंची करें, हमें क्या। अच्छा, हमारे तो मेहमान आते जाते हैं, हम बैठक में बिठाएंगे। ओए असलम खान, दूसरा तो हमने कमरे डालो, दूसरी बात है, दूसरी बात है वाशरूम हमने हम बनाएंगे इधर, दो वाशरूम, दो गुसलखाने, नहीं अटैच बल्कि बना लेंगे, और नहीं नहीं दो बना लेंगे और वो अटैच, मतलब गुसलखाना भी वाशरूम भी, कैसे सारी फैमिली सुकून से रहे इधर ही। ये जो मसला हल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बताएं, उधर हम देंगे 5 मरले को हवेल, ठीक है ना। ये जो सारा माल मवेशी है ना अपना हट कर के उधर डाल देंगे, वादा भी लगे, ये आपने ये खेड़े जो
चलो देखते हैं सीन बनाते हैं क्या सीन बनता है। हाँ।